नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये रहा हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर। जी हाँ, जिसमें हम बात करते हैं सियासत की, जिसमें हम बात करते हैं वार पलटवार की, क्योंकि इस दौर में ये देखा जा रहा है कि माहौल चुनावी है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो वहीं 24 में होने हैं लोकसभा चुनाव। ऐसे में ताबड़तोड़ सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक मंच पर दिखाई भी दिए। कांग्रेस की 6 गारंटियों में राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रूपए और 500 रूपए में गैस सिलेंडर के साथ साथ सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का एक बड़ा वादा शामिल किया गया है। इसके अलावा बात कर ले तो साधु भरोसा के तहत पार्टी हर साल किसानों को 15,000 रूपए निवेश सहायता के तौर पर देगी। ये एक बड़ा वादा है किसानों से, जबकि खेत मजदूरों को 12,000 रूपए दिए जाने हैं। तो देखिए, तमाम बड़ी गारंटियां लेकर चुनावी रण में कांग्रेस उतरी है। घोषणा पत्र में बड़े वादे किए गए हैं, महिलाओं से लेकर किसानों तक के लिए, यहां तक कि मजदूरों तक के लिए बड़े वादे किए गए हैं। और जिस तरह से आर्थिक लाभ का ये बड़ा वादा किया गया है, ये जरूर कह सकते हैं कि गारंटियां बड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं आज चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पीएम मोदी और केसीआर मिलकर कितनी भी कोशिश कर लें, तभी भी यहां पर कांग्रेस की पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि जनता यहां घोटालों को समझ चुकी है। तो देखिए, निशाने पर उन्होंने बीजेपी को लिया, केसीआर को लिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आए, क्योंकि जनता खुद यहां के घोटालों को समझे हैं और उनके रिटायरमेंट के दिन भी अब आ गए हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी ने होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि जो स्कीम हमने लागू की है उसी को घुमा फिराकर दिखा रखे हैं। उन्होंने जनता को बहुत निराश किया है और इनके घोषणा पत्र में कोई दम नजर नहीं आता है, तो सीधे सीधे बीजेपी के घोषणा पत्र पर के निशाना साधते नजर आए थे। तो उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया, क्योंकि जो स्कीम हमारी लागू है ऑलरेडी या लागू होने की गारंटी दी है, उसी को घुमा फिरा के लिखा गया है। बहुत ही निराश किया जनता को भी, और कुछ दम नहीं मैनिफेस्टो के अंदर। इतने मैंने कहा होमवर्क कम किया दिखता है। 450 में सिलेंडर पे आ गए सर, तो केंद्र सरकार को भी आना चाहिए। हमारे दबाव में केंद्र सरकार ने 200 रूपये कम किए पहले, अभी 450 की बात कर। तेलंगाना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि आय उत्पन्न करने वाले सभी विभाग आपके मुख्यमंत्री के परिवार के हाथों में हैं। जमीन, शराब, तीनों विभाग आपके सीएम के परिवार के पास हैं। केसीआर ने कांग्रेस से पूछा कि पिछले 7 साल में कांग्रेस ने किया क्या। केसीआर जी, जिस स्कूल और कॉलेज में आपने पढ़ाई की है वो कांग्रेस ने बनवाए थे। उनके एमएलए और उनके नेता उठा के नी अंत भूमि वार कुटू अदे विधा बीआरएस नेता स्वाधीन पच्चीस सारे ने सारे पैसे बनाने वाले पोर्टफोलियो आपके चीफ मिनिस्टर के परिवार के हाथों में है। मंत्रिवर्गों अधिक डबूल संपादे मंत्रिवर्गी जमीन भूमि। केंद्रीय मंत्री
की और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से इस बार भी बनने वाली है। तो देखिए बड़ा बयान है और जिस तरह से कहा गया है कि सरकार बनने वाली है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत का दावा किया गया है, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जाएगा। लगातार देखा ही जा रहा है कि दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की तरफ से ही जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान पर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जाएगा, क्योंकि दोनों की पार्टियां जीत के दावे लगातार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ इस बार भी बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इधर नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक और बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है, भाजपा के पक्ष में वातावरण है, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं लोगों को पसंद आ रही है, लोगों को विकास पसंद आ रहा है। तो देखिए बीजेपी लगातार जीत का दम भर रही है। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसीलिए ये हिंदुत्व का मुद्दा बनाते हैं। हिंदुत्व के लिए एक बड़ा मुद्दा है, ये केवल चुनावी मुद्दा है। जब इनके पास मुद्दे नहीं है तो ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारी पार्टी को लेकर बात नहीं की जाती, बल्कि केवल वो मुद्दे उठा रखे हैं, ना आम जनता के मुद्दे उठा रखे हैं, केवल हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्यों नहीं आम जनता की बात करते। कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी राजस्थान में जारी बीजेपी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा हमारे घोषणा पत्र को देखकर कांग्रेस डर गई है, कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी वादे किए हैं वैसे वादे उन्होंने देश के कई राज्यों में किए हैं, उन्होंने सभी राज्यों में वादों को तोड़ा भी है और जनता ये देख रही है। कांग्रेस डर गए है, कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी वादा किया था वो वादा देश के कई राज्यों में इसे वादा किया है। अगर रिसेंट का एग्जाम्पल लेना है तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, और 5 वर्ष का पहले का एग्जाम्पल लेना है तो इधर के राजस्थान, सभी राज्यों में वादा तोड़ा है, झूठा वादा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है जो मोदी जी ने वादा किया था वो भी पूरा किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल ने विकास के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, हमारा विकास आम आदमी के दिलों में है और जिस भी दिशा में देखेंगे उन्हें विकास की विकास दिखाई देगा। आम जनता हमारी पार्टी के पक्ष में है, आम जन को विकास पसंद आ रहा है और इन चुनावों का मुद्दा विकास है। मध्य प्रदेश में ऐसी ही कृपा बनाए रखे क्योंकि वो जीवन रेखा है मध्य प्रदेश। विकास के लिए वोट मांग रही है लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि विकास नहीं, उन्होंने तो विनाश किया। हमारा विकास आम आदमी के दिलों में है और इसलिए विकास जिस भी पैमाने पर उन्हें देखना है, जिस भी दिशा में देखेंगे उन्हें विकास ही विकास दिखेगा। लेकिन हमारे यहाँ परम पूज्य श्री कहते थे
सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना करे उसे नहीं जगाया जा सकता। कांग्रेस की स्थिति यही है, वो देखने के बाद भी करो। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं सुने हैं। तो देखिए, एक तरह से उन्होंने बीजेपी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से अब बयानबाजी का एक दौर देखने को मिल रहा है, आपके इस बयान पर प्रतिक्रिया जरूर आएगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि जिस तरह से लगातार प्रचार हो रहा है वैसा कुछ उन्हें नजर नहीं आता। बीजेपी को लेकर ये बड़ा दावा, उन्होंने कहा कि अच्छे संकेत नहीं है छत्तीसगढ़ में। कि मैं तो नहीं गया हूं इन राज्यों के अंदर, मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत मैंने नहीं सुने हैं। बाकी चुनाव है कि मैं तो नहीं गया हूं इन राज्यों के अंदर, मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का बजरंगबली कर्नाटक में नहीं चल पाया ये बयान दिया। भगवान ने उनकी बात को मंजूर नहीं किया। भगवान समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खोखली बातें कह रहे हैं, चुनाव हार रखे गए तो बजरंगबली को याद कर रखे गए। तो देखिए, बयान बहुत बड़ा के कटाक्ष उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर किया के बीजेपी पर किया के, देखना यह भी होगा क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आती है। लेकिन फिलहाल ये बयान चर्चाओं में जरूर आ गया है। कर्नाटक में राहुल जी ने और प्रियंका जी ने कमी नहीं रखी वहां पर, और मोदी जी का बजरंग बली नहीं चला वहां, वो नारे लगाए थे भगवान का, भगवान ने उनकी 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 बात को मंजूर नहीं किया। समझ गए कि खाली खोखली बातें करते हैं, दम नहीं है, और जब आप चुनाव हार रहे हैं तो बजरंग बली उन्हें याद आ रहा है। राजस्थान के सागवाड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आज आप महंगाई का कैसे सामना करते। आप ये सोचिए कि केंद्र सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रखी है कि प्रदेश की सरकार को महंगाई राहत कैंप तक लगाने पड़ रखे हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी ने हमला बोला के महंगाई का मुद्दा उठाती नजर आई है। पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं। बहने, अभी दिवाली चल रही है, धनतेरस था, आपको कुछ खरीदने जाना था, घर की लिपाई पुताई करनी थी, कितनी महंगाई हो गई है। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई के राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आप कैसे सामना करते। आज ये जो महंगाई के राहत कैंप है, आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता कांग्रेस का हाथ पकड़ रखी है, क्योंकि विकास हम करवा सकते हैं, हमारे पास विजन है, नीति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाकी दलों से बेहतर पार्टी है, क्योंकि हम एक नीति लेकर आगे बढ़ रखे हैं, हमारी नीति आम जनता को पसंद आ रही है, बाकी तमाम दलों से बेहतर होने का ये बड़ा दावा। आज प्रदेश की जनता कांग्रेस का हाथ पकड़ रही है, क्योंकि विकास हम लोग करा सकते हैं, विजन हम लोगों का है, नीति नियत नेतृत्व सब में कांग्रेस बाकी दलों से बेहतर है, और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा पहला उद्देश्य है कि जनता का विश्वास दोबारा जीतकर सरकार बनाए। बाकी सब राज्यों में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, राजस्थान में भी हम सरकार बनाएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और राहुल जी ने दौरे किए हैं कल, आज प्रियंका जी के दौरे हैं, खड़गे साहब के कल से दौरे हैं, तो लगातार नेतृत्व हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो कैंपेन कर रहा है और रिस्पॉन्स। राजस्थान में लगातार दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है। और देखिए, लगातार हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है, तमाम स्टार प्रचारक चुनावी रण में प्रचार कर रहे हैं, और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए जा रहे हैं, लगातार दावे भी सामने आ रहे हैं, जीत के ये बड़े दावे हैं। देखना ये होगा कि जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है, ये तो चुनावी नतीजे ही हालांकि बता पाएंगे। फिलहाल दावों का दौर जारी है।
लंबा संघर्ष मैंने स्वयं देखा है। आप सबके भाई, आप सबके बेटे, आप सबके साथी और आप सबके लिए लगातार संघर्ष करने वाले हमारे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार हिंसा पर उतारू के ये संकेत हैं कि भाजपा बुरी तरह से हार रखी है। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम पर राम की कृपा बनी हुई है। छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की भूमि के और राम तो हमारे भांजा लगते थे। तो देखिये ये एक तरह से बयान आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जो चुनाव नजदीक आ रखे हैं, नए नए बयान सामने आ रखे हैं, नए नए मुद्दे सामने आ रखे हैं और अब ये बयान आ गया है चर्चाओं में, क्योंकि देखिये कांग्रेस नेता की तरफ से बयान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा में उतारू है, ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हो रही है। बिल्कुल राम जी की कृपा हम पे बनी हुई है, क्योंकि ये कौशल्या माता की धरती है छत्तीसगढ़ और भांजा राम तो हमारे भांजा लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा में उतारू है, ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हो रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जांच एजेंसियों को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि ईडी का राजनीति के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टीएस सिंहदेव ने कहा ईडी ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। अब देखिए ईडी का ये मुद्दा है, ईडी की तरफ से जिस तरह छापेमारी की गई है इसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अब ईडी को लेकर ये बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह गया कि टीएस सिंहदेव की तरफ से कि ईडी ने तो अपनी विश्वसनीयता खो दी है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। लगातार पूरा विपक्ष इसी तरह के बयान देता दिख रहा है। पीपल आर आस्किंग अबाउट द ऑपरेशन लोटस, who funds operated Lotus, then they go to ask about things. It's become stale, you know, the misuse and overuse of ED for political purposes. It has lost its credibility. The ED has lost its credibility completely as an independent and a fair. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीजेपी के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हमारा सपना है कि जब हम 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएं तब तक देश खुले में शौच से मुक्त हो जाए, और वो काम अब लगभग पूरा हो चुका है। जो कहा के वो किया के, ये बयान महत्वपूर्ण है। कल्चरल चेंज आया है इसके कारण। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे लाल किला से, तो उन्होंने कहा था कि हमारा ये सपना है कि हम जब महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे 2 अक्टूबर 2019 में, तब तक देश को ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाना चाहिए। और ये बहुत खुशी गर्व की बात है कि 2019 2 अक्टूबर तक देश लगभग हो गया था एक स्टेट के अलावा। और बढ़ते अब हम खबरों में आगे, हम बात करेंगे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की। गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में पराली नहीं जल रही है, सभी राज्यों को मिलकर इस पर चर्चा करने की जरूरत है। ये समस्या अब सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे के पूरे उत्तर भारत की है। पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर सियासत भी खूब हुई है, लेकिन अब पराली जलाने के मुद्दे पर ये बयान महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत की समस्या है वो केवल दिल्ली की सक्रियता से नहीं हो सकती। दिल्ली की सक्रियता के साथ साथ हमें, मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को पहलकदमी करने का वक्त आ गया है, और मेरा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर तुरंत जो है पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाएं और इसका क्या, और क्योंकि जो CAQM का जो निर्देश था ग्रैप को लागू करने का वो लागू हो रहा है, और क्या किया जा सकता है, मुझे लगता है कि इस पर अब विचार मंथन की जरूरत है। एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठ गया है। इस बार इस मुद्दे को इनेलो नेता अभय चौटाला ने उठाया। इसको लेकर अभय चौटाला का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें इनेलो नेता ने लिखा कि इनेलो की सरकार आने के बाद हरियाणा में हम सबसे पहले जातीय जनगणना करवाएंगे, क्योंकि हर एक तबके और जाति को उसकी आबादी के हिसाब से हक मिले और उसका अधिकार मिले, इसी के लिए
ये वादा किया गया है। अब अभय चौटाला का ये पोस्ट लगातार चर्चाओं में आ गया है। अगर इनेलो की सरकार मिलती है तो जातीय जनगणना होगी और आबादी को जाति के आधार पर हर जाति को उसका हक मिलेगा, ये बड़ा बयान है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, इस पोस्ट को लेकर चर्चाएं उठ रही है। अब देखना ये होगा कि अभय चौटाला के इस पोस्ट पर अन्य पार्टियां क्या कुछ कहती है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस एक पोस्ट ने एक सियासी हलचल खड़ी कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस पर दिए गए बयान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा दलितों का सम्मान हुआ के, आज कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष खुद उसी समाज से आता के, दलितों का अपमान केवल बीजेपी ने किया के। उदय भान का बयान महत्वपूर्ण, बीजेपी को निशाने पर लिया के कांग्रेस की सराहना की है। ये इनका कहना बहुत हास्यास्पद है, या तो इनको पता नहीं है और यही जानबूझ करके गुमराह करते हैं। दलित समाज का हमेशा उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नायब सिंह सैनी जी को ये पता होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष पिछले चार बार से फूलचंद बलाना जी, अशोक तंवर जी, बहन शैलजा जी और अब मैं, पिछले लगभग 20 साल से प्रदेश अध्यक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। हरियाणा आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी भारतीय झूठी पार्टी है। हरियाणा में किसानों को 2,275 रुपए गेहूं का रेट मिलता है और राजस्थान में 2,700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की बात करते हैं। बीजेपी चुनावी समय में झूठे वादे करती है, तो बीजेपी पर झूठ बोलने का यह आरोप अनुराग ढांडा ने लगाया। भारतीय झूठी पार्टी में लगता है सबको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय झूठी पार्टी के नेता बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है कि गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर राजस्थान में आती है तो। हरियाणा के किसानों को 2,700 रुपए गेहूं का दाम क्यों नहीं देते? हरियाणा के किसानों का गेहूं 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर क्यों नहीं खरीदते? ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर यह बताती हैं कि आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। उत्तराखंड भाजपा ने अपने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया, त्योहारी और शादियों का सीजन है जिसे देखते हुए स्थगित किया गया है। अब दिसंबर महीने में इस सम्मेलन को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 19 नवंबर को विकासनगर और 22 को खटीमा में अनुसूचित जनजाति और 20 और 21 नवंबर को दून और हल्द्वानी में अनुसूचित जाति के सम्मेलन की तारीखों की घोषणा की थी, लेकिन अब इन्हें स्थगित किया गया। देखिए, हमने पिछली बार लोकसभा चुनाव में 60% एक मत पार्टी के साथ जीता, हमने वो मत प्रतिशत बढ़ाया है और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग के साथ जुड़ने का, अपनी बात को और नीचे तक पहुंचाने का तय किया। उसी के तहत हमने तय किया था कि हमारे जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, जनजाति के जनप्रतिनिधि, उनके कार्यक्रम तिथि हमने तय की थी, लेकिन इस बीच इगास है। हिमाचल में गारंटियों को लेकर वार पलटवार जारी है। वहीं हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुकेश अग्निहोत्री झूठ बोल रहे हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस के सभी नेताओं ने गारंटियां दी थी, लेकिन करीब एक साल की सरकार खो गई है, गारंटियों को पूरा नहीं किया जा रहा, एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री है और उनका यह कथन कि हमने गारंटियां पूरी किए हैं, यह हास्यास्पद है। जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो घर घर जाकर के 1,00,000 नौकरियां पहली कैबिनेट में देने के लिए लगातार भाषण चल रहे, आज तो घर घर में वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है।
ऊना में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश की कार्य समिति की बैठक जिला मुख्यालय में हुई। इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्टी हाईकमान की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश और कार्यक्रमों को युवा कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासात्मक विजन के आधार पर बीजेपी चुनावों के लिए तैयार है। 2022 के अंदर जब वो बड़े बड़े भाषण कर रहे थे वोट लेने के लिए, तो राजनीति कर रहे थे या वो खेल नीति कर रहे? 2022 के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बयान है, मैं आपको सुना देता हूं, नहीं तो आप अपने कैमरे में से निकाल लीजिए। और उसके अंदर उन्होंने कहा पहली कैबिनेट ये कांग्रेस की गारंटी है, ये और सोनिया जी की गारंटी है, ये राहुल जी की गारंटी है, और वो तीसरी बहन जी है उनकी भी गारंटी है और हम उनकी गारंटी। 24 की खबर में बस इतना ही, आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।